और रूल्स बनाए कर्नाटक में, क्या रूल्स बनाए बोले तो 6 बजे से 10 बजे तक तरकारी वाले, भंडे वाले, सभी छोटे व्यापारी लोग उन्हों पलने के लिए जो 6 बजे से 10 बजे तक टाइम दिए है सर दिए बोले तो भी, फिर भी कानून एक तरीके करे तो ये पुलिस लोग क्या सुबह 3-4 बजे से जो खेड़े से जो गरीब लोग तरकारी वगैरह कुछ लाते ये फ्रूट्स बिकाने के लिए जो मार्केट में आके उन्हों पब्लिक सेवा के लिए तो होना ही चाहिए जीने के लिए वो पदार्थ, वो बिकाने बैठे बोले तो ना आने का एकदम उनका माल लेने का इधर उधर फेंकने का गाली देने का उनको ऐसा करके बहुत कुछ संकट में डाल के परेशानी करके लूटमार कर रहे, इसको हम खंडन नहीं करते, ये तरीका नहीं होता है। लेकिन सरकार का आदेश नियम सब जने पालना, ये सरकार के लोग ही ऐसा करे तो उल्लंघन करे तो फिर छोटे गरीब लोग क्या करना, मीडियम आदमी कहाँ जाना है, किसको बोलना है। जो है अभी देखो केरला जो है गवर्नमेंट, केरला सरकार है वहाँ आम आदमी के लिए हर घरों के लिए 5,000 रुपये का ऐलान किए है उधर का गवर्नमेंट, लेकिन वो कितनी अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने तो जो आम आदमी को सब क्यों करे, लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट क्या है गरीब लोगों को किट का व्यवस्था करना, बीदी व्यापारियों को, बंडी वाले को, और उनको पैकेज डालना, उनके अकाउंट को पैसा डालना, उनका रेखभाल करके उनको एक सिस्टमेटिक कानून तरीके से उनको एक ये गिफ्ट देना और संभाल लेके जाना, वो कुछ भी नहीं कर रहे और इससे सफर हो रहे कुछ लोग। और उधर 5,000 रुपये का ऐलान किए और दिल्ली सरकार में भी केजरीवाल साहब जी ने भी किए बहुत कुछ, हॉस्पिटल बंद है, सब व्यवस्था हो रहे, लेकिन इधर नहीं हो रहे, टीवी में व्हाट्सएप में देख रहे हैं। लेकिन ये जुल्म रोकना, ये गवर्नमेंट रोक के उनको जो कानून बना हुआ है, कानून का आदेश पुलिस भी पालना और संबंध के अधिकारी भी, हम भी पालना, गरीब भी पालना, लेकिन उन्हें कानून निकालने वाले उन्हें नहीं पालने के बाद मासूम आदमी को क्या मालूम होता, कानून नहीं है तो भी उन्हें सुन के उनका उनका धंधा करने बैठे तो उनको वो भी नहीं करने दिया तो उन्हें जाना क्या, इसके लिए कौन पूछने वाले, और ये लोग मर रहे। कमिश्नर साहब जी बोलते अभी देखिए ज़्यादा कोविड हो रहा है, उसके लिए आप भी जरा कोऑपरेशन करना, कुछ दिन के लिए कीजिए और आगे हम तुमको सहूलत दे देंगे, थोड़े दिन के लिए कोऑपरेट करो बोल रहे। अब इसके लिए हम भी मजबूर हो गए अब इस बात के लिए। और बीदी व्यापारी में तकरीबन यहाँ पर गुलबर्गा में कितने वेंडर्स हैं आपकी नज़र में सर? देखिए सर 8 से 10 हज़ार तक लोग हैं यहाँ पर, सभी ये बंडी वाले आ गए, तरकारी बिकाने वाले, कपड़ा बिकाने वाले, पानी पूरी वाले, छोटे टी स्टॉल वाले, और कुछ बहुत युद्ध वस्तु के व्यापारी है सब। लेकिन उसमें क्या है, हमारे व्यापारी लोगों को भी मैं मन भी करता हूँ कि बीदी बदी बंडी वाले व्यापारी लोगों को जो है ये 19 कोविड वायरस जो है ये बहुत सेकेंड लहर में जो है बहुत भयानक है, इसके लिए उन्होंने भी क्या है मास्क डाल के ज़्यादा डिस्टेंस दूर रह के सैनिटाइजर लगा के आपके हिफाजत से आपका धंधा आगे बढ़ा लेके जाना और कानून का भी नियम पालना, और जो भी आप बिजनेसमैन उनके पास आता माल लेने के लिए जरा दूर से डिस्टेंस से उनको व्यापार करके उनको कोई चीज़ मांगते वस्तु उनको दे के अपन जरा जागरूक से रहना बोल के हम भी हमारे बीदी बदी व्यापारियों को मनवी करते हैं। और इसके साथ ही यहाँ के जिला आडड़ित है, यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब को भी अभी एक बार भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी भी एक 2 दिन से जो चल रहा है सुबह सुबह गुलबर्गा सिटी में किधर गए उधर विद्यापरियों को उठा रहे दूध वाले उनको उनको ये खंडन करते हैं, ऐसा नहीं करना उनको, अभी भी क्या है जरा टाइम दीजिए, आपका जो सरकार जो किया सो 10 बजे तक टाइम वही देने का बोल के हमारा एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को, जिला आडड़ित को। सर आपका नाम? जगन्नाथ सूर्यवंशी।